बाहर नहीं पाया पैसा तो बह गई अंदरों चल के आ गई कि डिगदी डिगदी आई नहीं अंदरों चल तो आ गई डिगदी आई पैरों से बाहर नहीं पाया कल दी ठीक कल शामी ठीक है किसी बिल्कुल कोई ढिली मठी सी कल दी कल भी ढिली मठी तो सुबह बिल्कुल फिट सी नहीं मेरा ख्याल है कोई डंग दी बीमार है जी नहीं नहीं पहलू भी कोई रोला नहीं सी मैं शाम पिछले टाइम ढिली मठी आई पट्ठे नहीं खाते सू बुखार जा ना बुखार चेक किया डाउन सी कि ज्यादा सी ओ मुंडा छोटा जिहा इत्थे मैं लिया नाल मेरे बेचण उहने ख्याल ही नहीं किया तो मैं शामी तो मैं यार ना पिछले टाइम पट्ठे नहीं खाते अयो पानी तो लिया चाह तेज गर्म सजी कितना टेम्परेचर आया भाई चौरानवे थे हाँ जी टेम्परेचर चौरानवे इशारिया यानी कि 101 नॉर्मल होंगे ना तो 6 दर्जे घटे हिसाब न अगर 100 के हिसाब न भी लाइए तो उधर साइड चेंज करो जितनी स्लो लगेगी उतना ही ज्यादा फायदा है इसका टेम्परेचर डाउन है जितनी स्लो लगाओगे उतना ही ज्यादा फायदा हो जितनी तेज लगाओगे उतना ज्यादा ये शिवरिंग करेगी बहुत ज्यादा काम पेगी जिड़ी कि इंसानी बच्चे नूं लगती ना डोज उस हिसाब दे नाल स्लो रख के लई है अक्सर ही देखे डॉक्टर जो लाते ना मिल्क फेवर के बोतल लाते हैं तो बड़ी तेजी के ला छड़ते फिर बाद च रिएक्शन कर जाती कुछ 94 के टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी अबोव करना है और दूसरा इंदा मिल्क फेवर का मसला भी हल करना है इसलिए करके बी कंपलैक्स साइनोकोब टीके फास्फोरस वगैरह नाल चला रही जो पट्ठे गले च रुके हो ना बड़ी सख्त किस्म की ना असल मैं लिसी बड़ी सख्त किस्म की हवा पई फिर टेम्परेचर जरा डाउन बोता कर जाए चल उदो फिर ज्यादा फिर परेशानी बनती सर जी उन्हें पता ही क्या सर जी सुबह फिर किधर किधर ना उठी मैं दोबारा फिर डिगी नहीं उठी क्यों जो आई भी ना तो डिगदी बाहर आई वो मिल्क फीवर जो होता ना जिसम कैल्शियम का हड्डिया चो जिसम चो खून चो कमी जो हो जाती जानवर दत्त पावर खत्म हो जाती
ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੀ ਸੁਰ ਚੜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਵੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਲਾਚੀਆਂ ਸੁੰਡ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਲੇ ਜੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣ ਖਾਣ ਡਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਆਹ